तो हो हल्ले के बीच किसानों के लिए मोदी सरकार 3 नए विधेयक ला रही है। इसकी वजह से बीजेपी विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों के निशाने पर भी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये नए विधेयक बीजेपी के गले की फांस बन चुके हैं। कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को केंद्र सरकार की तरफ से मौजूदा मानसून सत्र में लाने के बाद एनडीए के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल समेत कई विपक्षी दलों ने इसका खुलकर विरोध किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे मोदी सरकार का किसान विरोधी कदम करार दिया। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा इस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। इन विधेयकों के विरोध में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जमकर विरोध हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताते हुए गुरुवार को केंद्र से इन्हें वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि संसद में आम आदमी पार्टी इन विधेयकों के खिलाफ मतदान करेगी। राज्यसभा में आपके 3 सांसद और लोकसभा में 1 सांसद है। केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट किया, खेती और किसानों से संबंधित 3 विधेयक संसद में लाए गए जो किसान विरोधी हैं। देश भर में किसान इनका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इन 3 विधेयकों को वापस लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी संसद में इनके विरोध में वोट करेगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कृषि से जुड़ी 3 विधेयकों के बारे में कहा कि किसानों के लिए नए अध्यादेश का गंभीर विरोध किया जा रहा है जो कानून बनने की प्रक्रिया में है। हमें लगता है कि इस पर उचित चर्चा होनी चाहिए। जब बिल को पास कराने की कोशिश की गई तो लोगों को लगा कि किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही है और इसलिए विरोध किया जा रहा है। इधर संसद में किसानों के ऊपर लाए गए बिल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, किसानों के लिए ये बिल बड़ी मुसीबत है, हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए अगर हमें सच में किसान को बचाना है। विधेयक के विरोध में एनडीए के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी विरोध किया। शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि हम साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं हम इसका विरोध ना करें। शिरोमणि अकाली दल के बलविंदर सिंह भूदड़ ने कहा, वे संसद में पेश किए गए कृषि से जुड़े 3 नए बिल के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में सोमवार को किसानों से संबंधित किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान समझौता विधेयक और आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 लेकर आई। आवश्यक वस्तु विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पारित हो गया। ये विधेयक किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने, कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार को सक्षम बनाने के साथ ही किसानों को अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने का मौका प्रदान करने से संबंधित है। बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन जिस तरह से उसे विरोधियों के साथ साथ अपने सहयोगी दलों का साथ नहीं मिल रहा है, वो बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत बन सकती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।